मध्य प्रदेश के बैतूल में संचालित सरकारी छात्रावासों में कार्यरत 80 से ज्यादा कर्मचारियों को एक साल से मानदेय नहीं मिल सका। इससे नाराज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने समय पर वेतन और कलेक्टिव दर पर भुगतान की मांग की है। जिला मुख्यालय बैतूल में उत्कृष्ट छात्रावास से लेकर गर्ल्स और बॉयज के 8 से ज्यादा हॉस्टल हैं। इन छात्रावासों में 80 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं अंशकालीन कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। इन कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी यहाँ मौजूद डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। अटल सेना के नेतृत्व में इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनका भुगतान जल्द नहीं किया गया तो वो काम भी बंद कर देंगे। सबसे ज्यादा तो परेशानी हमको यही है कि 5,000 मिल रहा है, उसमें भी हर महीने नहीं दिया जा रहा है। अभी एससी छात्रावास वालों को 10-10, 12-12 महीने हो चुके हैं और एसटी की तो 6 महीने लगभग हो चुके। दिक्कत ये हो रही कि अगर हमारे घर में कोई बीमार हो रहा है तो हम उसका इलाज समय पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे साथ वाले 2 साथियों की समस्या ऐसी हो चुकी है। उनके पिताजी भी शांत हो गए, एक की तो बेटी भी शांत हो गई। समय पे पैसा ना मिलने के कारण इलाज नहीं कर पाए। अब 10-10 महीने हैं सर, तो फिर ये सोचो कि पूरा 17 बीत चुका है ना। हाँ, तो अब किसी का बेटा है, किसी की बेटी, कहीं बर्तन मांजने चले जाते हैं दोपहर में, कपड़े झाड़ू पोछा करते हैं, तो वैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं हम लोग। आज अटल सेना के बैनर तले जो आदिवासी कल्याण विभाग, जो एसटी और एससी छात्रावास है, वहाँ पर 8-8, 10-10 महीने से और 1-1 साल से अंशकालीन कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया जाता है। जबकि अंशकालीन पद सरकार ने निकाला है कि कुछ समय काम करना है, लेकिन ये 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, इसके बाद भी इनको समय पे पेमेंट नहीं होता है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, घर का खर्च प्रभावित हो रहा है, खर्च नहीं कर पा रहे, घर नहीं बराबर मेंटेन कर पा रहे हैं। आज अंशकालीन ये कर्मचारी भाई और बहनों ने यहाँ शहर में भीख मांग कर अपना घर चलाने का प्रयास किया है कि भाई अब इधर से नहीं हो रहा है तो इधर करें। मेरा एक निवेदन था सरकार से कि बड़ी बड़ी योजना है, जन कल्याणी योजना चला रहे, लाडली बहना चला रहे, प्रधानमंत्री आवास चला रहे हैं, हम कहते बहुत अच्छा, इन्हें भी दो, इनको भी ज़रूरत है। लेकिन जो जिनसे काम ले रहे हैं 5,000 रुपये महीना, इनको वो भी नहीं दे पा रहे हैं आप। हमारी मांग भी है कि कलेक्टर रेट से